हेलो एवरीवन, अगर आप कोई सेवन सीटर के अंदर कार देख रहे हैं तो अपने सामने जो भाई किया करेंस, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भाई सेवन सीटर कार है, बजट में आ जाती है और सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं इस कार के अंदर और लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अपने सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो आप अपने सामने देख रहे हैं। काफ़ी बजट वाली कार है ये, सारे फीचर्स मिल जाते हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मिल जाता है इस कार का। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये जो अपने सामने वेरियंट है इसका जो एक्शोरूम प्राइस है मात्र 11,74,900 रुपये इसका एक्शोरूम प्राइस है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और Instagram का आपको यूजर नेम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां आके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉक अराउंड से। सो गाइस, इस कार के पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके इंटीरियर में चलेंगे और सारी बातें करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कंपनी ऑफर करती है। तो फ्रंट प्रोफाइल काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सी लगती है इस कार की, और फ्रंट में क्या क्या ऑफर करती है ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको DRL नहीं मिलती, टॉप वेरिएंट्स में जाके आपको DRL देखने के लिए मिलती है। ये बस ऐसा ही एलिमेंट है, ये कोई जलता नहीं है, ये DRL नहीं है। बाकी बिग साइज में आपको हेलोजन में इसके हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED नहीं मिलती इसमें, ये आपका टर्न इंडिकेटर आ जाता है। बाकी फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। काफी सारे फीचर्स हैं यार, मात्र 11,74,000 रुपए एक शोरूम में, और क्या ही चाहिए। फ्रंट में ग्लॉसी सी है, आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है इस कार के अंदर, तो काफी ज्यादा लुक्स तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। बाकी आप नीचे से स्किट प्लेट देख सकते हैं ब्लैक कलर की, और ये किया का यहां पर आपको लोगो मिल जाता है, किया लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी सिल्वर कलर में भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई ये कार, इसके काफी सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि आपको मैट कलर भी देखने के लिए मिल जाता है इस कार के अंदर, और देख सकते हैं कोई भी एडास नहीं मिलता इस वेरियंट के अंदर, तो ना ही रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं इस वाले वेरियंट में। बाकी साइड प्रोफाइल पर चलते हैं कि साइड प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें इस कार के, तो 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको इस कार के अंदर। और टायर साइज एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो यार टायर साइज आपको दिखा देते हैं एक बार, ये आ जाता है आपका 195/65R15। 15 इंच के आपको इसके अंदर स्टील व्हील मिलेंगे, व्हील कवर आपको देखने लगे हुए मिल जाएंगे। बाकी जेके टायर के आपको टायर देखने के लिए इस कार के अंदर मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको डिस्क नहीं मिलते। बाकी डोर्स के साइड में आपको ब्लैक कलर की क्लाइडिंग देखने के लिए मिल जाएगी इस कार के अंदर, और बॉडी कलर्स के ही डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, बॉडी कलर के ही डोर हैंडल देखने के लिए मिलेंगे। ORVM फोल्ड अनफोल्ड होगा विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ, वेलकम फीचर्स के साथ आपको ये देखने के लिए मिलेगा। बाकी अब इस कार की देख सकते हैं, एक बार रूफ दिखा देता हूँ आपको, ये रूफ रेल देखने के लिए मिलती है, सनरूफ नहीं मिलता इस वाले वेरियंट में, आपको टॉप वेरियंट्स में आपको सनरूफ देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपका शार्क फिन एंटीना आ जाता है, जो कि बॉडी कलर का ही रहेगा, सिल्वर कलर का ही आपका शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। अब एक बार रियर प्रोफाइल में चल लेते हैं इस कार की, रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। रियर प्रोफाइल से काफ़ी सही लगती है यार, मतलब सेवन सीटर गाड़ी इतनी सस्ती में सब कुछ फीचर मिल रहे हैं। ये आपको किया का लोगो मिल जाता है, यहाँ की साइड में आपको करेंस लिखा हुआ मिल जाता है जो आप देख रहे हैं। बाकी वेरिएंट्स जो आते हैं इस कार के, वो कंपनी पीछे लिखे हुए नहीं देती, जैसे क्रेटा में SX वगैरह आता है ना, उसमें लिखी हुई देती है, वैसे नहीं देती। कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती, बाकी ये आपको LED में नहीं मिलेगी इसकी टेल लाइट। बाकी आपका एक रियर कैमरा आ जाता है, और रियर में ही 2 इसके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं आपके, 4 पार्किंग सेंसर नहीं आते, जो कि फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी डिफॉगर वाइपर नहीं आता, और ऊपर की साइड में एक अपर स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाता है इस कार के अंदर। अब एक बार आपको इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको इसका बूट स्पेस, एक बार इसका बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं, पहले गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बूट स्पेस दिखा दूंगा। पहले देख सकते हैं की कुछ इस टाइप की मिलेगी, ये आपको अनलॉक कर लेते हैं एक बार कार इसकी, देख सकते हैं, सॉरी कार अनलॉक कर लेते हैं, और यहाँ से इसका रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी 216 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, 1-3 बैग आराम से आ जाएंगे, जो कि छोटे छोटे बैग, 2 बैग आराम से इसके अंदर आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, 2 बैग आराम से रख सकते हैं इस कार के अंदर। और ये आपका एक हेलोजन का बल्ब आ जाता है, जो कि आपका बूट स्पेस के अंदर आ जाता है, और ये आपकी देख सकते हैं किट आ जाती है, टूल किट वगैरह ये सब कुछ आ जाता है ये जो आप देख रहे हैं। बाकी एक ग्रैब हैंडल आ जाता है ये जो आप देख रहे हैं, और एक बार आपको इसका मैं स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ, तो नीचे की साइड में प्लेस कर दिया स्पेयर व्हील, जेके टायर का ही मिलेगा, और 15 इंचेस का
ही स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि स्टील के अंदर होगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी कि 15 इंचेस का ही स्पेयर व्हील है, जैसे हमारे चारों टायर 15 इंचेस के ही हैं। अब एक बार इसका बूट पे बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ, एक बार बोनेट ओपन कर लेते हैं इस कार का और इंजन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इस कार के। मैं इंजन में क्या कहते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, तो एक बार इंजन खोल के दिखा देता हूँ आपको मैं इस कार का। यार एक हाथ से ना थोड़ा टफ रहता है, फ़ोन होता है तो ये टफ रहता है। ये आपका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp एंड 144 nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। बाकी ऊपर की साइड में इंसुलेशन नहीं मिलेगा। और इसके माइलेज की बात कर लेना इस कार के, तो माइलेज में आपको ये 15 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर पर लीटर आपको ये माइलेज निकाल के दे देती है, जो अपने सामने आप कार देख रहे हैं। बस अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और इंटीरियर में क्या क्या कंपनी ऑफर करती है ये चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। तो पहले आप ये देखो, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है बट आपको डुअल टोन में इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। जो अंदर डिज़ाइन देते हैं, डोर हैंडल का डिज़ाइन देते हैं, सब बढ़िया है एकदम। और ये चारों विंडोज़ के कंट्रोल आ जाते हैं लॉक अनलॉक के लिए, और ORVM का कंट्रोल ये सब आ जाता है आपका। नीचे की साइड में बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाता है और साथ साथ अम्ब्रेला होल्डर का भी स्पेस इसके अंदर मिलता है। और क्या ही चाहिए, सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स मिलेगी और हाइट एडजस्टेबल सीट्स देखने के लिए मिलती है इस कार के अंदर हम लोगों को। तो हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं बट वो सिर्फ ड्राइवर सीट ही आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इस कार के अंदर। तो चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी आपको। तो पहले मैं एक बार इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूं, एक बार की लगा देता हूं। देख सकते हैं इसमें पावर स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं आता, तो की लगा देता हूं। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। अब इंटीरियर की बात करें ना इस वेरिएंट की, तो इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है कंपनी आपको, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो इसके स्टेयरिंग व्हील में आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता। बाकी इधर की साइड में आपके मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इधर की साइड में आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल आ जाते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, यहाँ की साइड में आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल का बटन नहीं दे रखा है जो आप देख रहे हैं। बाकी इसके स्टेयरिंग व्हील की बात और कर लेते हैं, तो इसमें आपको देख सकते हैं टिल्ट स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता इस वाले वेरिएंट में आपको। और ये देख सकते हैं आप, ये इसके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं और इधर आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं। बाकी इधर आपके देख सकते हैं आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, और हेडलाइट अप डाउन करने का बटन मिल जाता है आपको इस कार के अंदर। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यार ये चीज़ देखो, मतलब आप इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, TPMS भी मिल जाता है। और क्लस्टर के एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ, क्लस्टर का कलर भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे क्लस्टर थीम पे गए हम और अभी ए पे करते हैं, क्लस्टर पे गए और क्लस्टर में थीम में जाके अब हम इसे ए पे करेंगे। ये देखो, मतलब यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन हो गया, ये सब चीज़ें आप यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हो। वेलकम साउंड, मतलब जैसे कि आपकी गाड़ी आपने जैसे कि अनलॉक करी, लॉक करी, तो वो साउंड करेगी नहीं करेगी, मतलब यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से। बाकी ये देख सकते हैं 8 इंच का इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, देख सकते हैं इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही सपोर्ट करेगा ये आपका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका, ये कार का देख सकते हैं ये आपका। बाकी नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी नहीं मिलता इस वेरिएंट में आपको, सिंपल एसी मिलेगा, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल नहीं मिलेगा। और यार ये चीज़ देखो, मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है यार इस कार के अंदर। ये चीज़ देख रहे हो, मतलब इसका डिज़ाइन ना कार का काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा है इस जो ये है भैया करेंज अपनी। बाकी ये ग्लोव बॉक्स आ जाता है इसका, ये जो आप देख रहे हो, और ग्लोव बॉक्स ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब यार अंदर प्रीमियम तो काफ़ी ज़्यादा है कार। डुअल टोन में इंटीरियर मिल रहा है यार, और क्या ही चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी लगती है कार। और IRVM आपको देख सकते हैं, मैनुअली IRVM मिलेगा। इधर की साइड में टिकट होल्डर मिल जाता है और एक एमिन लाइट आपकी इधर की साइड में मिल जाती है। बाकी ये देख सकते हैं, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इधर की साइड में एक वैनिटी मिरर मिल जाता है इस कार के अंदर। बाकी ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ जाती है आपकी ये कार, और इधर की साइड में ये वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया है इस कार के अंदर। बाकी USB का एक पोर्ट मिल जाता है, 12V का पावर सॉकेट मिल जाता है, और एक ये Type-C का पोर्ट मिल जाता है। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स का एक बटन यहाँ की साइड में प्लेस कर दिया है, और ये हिल्ड देख सकते हैं, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल ये देख सकते हैं आप, ये बटन है, मतलब जैसे कि आप नीचे जा रहे हैं हिल से तो अपने हिसाब से वो मतलब ब्रेक लेती रहेगी गाड़ी, मतलब आपको ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाता है इस कार का, 2 cup होल्डर का स्पेस मिल जाता है इधर की साइड में, और ये आपका आर्मरेस्ट आ जाता है इस कार के अंदर लिटिल स्पेस के साथ, देख रहे हैं थोड़ी सी स्पेस आ जाती है इसके अंदर।
बाकी यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कार आपको कैसी लगती है भैया करेंस। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है सही बताऊं तो। अब इस कार की सेफ्टी की बात करें ना, तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे और ग्लोबल एंड कैप ने इसके अंदर सेफ्टी रेटिंग में 3 स्टार दिए हैं यार, मतलब सेफ्टी रेटिंग में इसे 3 स्टार दिए है। बाकी आपको सीट बेल्ट वार्निंग लाइट्स मिल जाएगी, ABS मिल जाएगा, EVD मिल जाएगी और आपको इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको सीट बेल्ट वार्निंग लाइट वाला मैंने आपको बता ही दिया था, तो सेफ्टी फीचर्स तो काफी ज्यादा दे रखे हैं इस कार के अंदर। अब एक बार इस कार की रियर सीट पे चलते हैं और रियर सीट देख लेते हैं भाई। एक बार रियर सीट दिखा देता हूँ, एक बार मैं इग्निशन ऑन ऑफ कर दिया मैंने, एक बार रियर सीट पे बैठते हैं। इसके अंदर 7 सीटर है तो रियर सीट पे बैठेंगे एक बार अब इसकी कार की और देखेंगे कितना ज्यादा स्पेस दे रखा है इस कार के अंदर। मतलब एक बार बैठ जाते हैं तो यार मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बैठने में, सीरियस बताऊं तो मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है रियर सीट पर बैठने में इस कार की। मुझे तो कम सही में ही हो रही है, यहाँ से ये एडजस्ट हो जाती है शायद, मैंने सुना है। हाँ पीछे है, फुल पीछे है सीट, तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही है, बाकी ठीक ठाक ही है। और सारी इसके अंदर हेडरेस्ट जो होंगे एडजस्टेबल होंगे आपके इस कार के अंदर। बाकी ये देख सकते हैं ये इसके AC के कंट्रोल आ जाते हैं रियर सीट के लिए, 2 देख सकते हैं टाइप सी के सॉकेट दे रखे हैं और यहाँ की साइड में थोड़ा सा स्पेस दे रखा है कुछ सामान रखने के लिए। बाकी ऊपर की साइड में इवेंट्स दे रखे हैं AC के, दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं ये इवेंट्स दे रखे हैं। ये आपकी देख सकते हैं केबिन लाइट आ जाती है और ये आपका ग्रैब हैंडल इधर की साइड में आ जाता है। बाकी फ्रंट में आपका देख सकते हैं आर्मरेस्ट आ जाता है रियर सीट में भी, अभी पैक है तो मैं दिखा नहीं सकता। और एक बार आपको थर्ड रो दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इसकी थर्ड रो है ये, देख सकते हैं। और थर्ड रो में भी आपको यहाँ की साइड में मतलब ये देख सकते हैं वेंट्स दे दिए हैं और ये आपका टाइप सी का एक सॉर्ट देख सकते हैं सॉकेट दे दिया है। बाकी यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कार आपको कैसी लगती है, या फिर सोनेट पसंद है आपको किया की, या फिर आपको किया की वो पसंद है सेल्टॉस पसंद है, तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा कि आपको कौन सी कार पसंद है किया की। बाकी अगर आपको किसी भी कार की वीडियो देखनी हो किया की, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।